वेलकम टू speeddining.com। दोस्तों बात कर रहे हैं सेबी के नए मार्जिन रूल्स के बारे में। अभी चारों तरफ इसी बारे में चर्चा हो रही है। रोज लाइव स्ट्रीमिंग जब हमारी होती है, लोग पूछते हैं सर सेबी के नए मार्जिन रूल्स क्या है, हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए मैं बहुत सिंप्लीफाई करके सिर्फ चार बातों में आपको ये सारा चेंजेस समझा दूंगा और आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग उसी तरीके से चलती रहेगी। लॉन्ग रन में ये जो कुछ भी हुआ ये आपको फ़ायदा देने वाला है। तो दोस्तों मैं पंकज जैन speeddining.com से, स्टॉक मार्केट का सबसे पुराना यूट्यूब चैनल जिसमें 1500 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड है और हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। 99 रुपीज़ से लेके आपको 70,000 तक का कोर्स मिलता है। सब अपनी कैपेसिटी, अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से सीख सकते हैं, अपनी गति से सीख सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि जितना समय और पैसा आप लगाते हैं, कम से कम आप उसका 50 से 100 गुना रिकवरी करते हैं, उतना फ़ायदा उठाते हैं। बात हो रही है सेबी के न्यू मार्जिन रूल्स के बारे में। सेबी के नए मार्जिन रूल्स में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है कि जब हम लोग अपने शेयर ट्रेड करते थे एक ब्रोकर के यहाँ पे, तो हम अपने शेयर्स को बेचने के लिए अपने शेयर्स को पहले प्लेस करते थे ब्रोकर के अकाउंट में। तो ब्रोकर के अकाउंट में चला जाता था वो शेयर और फिर वहाँ से सेल होता था। ऐसे में घोटाले हुए, कुछ ऐसे स्कैम हुए जिसकी वजह से सेबी को ये कदम उठाने पड़े। अब बात यह है कि आप बीच में आपको ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है। आप जब शेयर बेचेंगे तो आपके शेयर प्लेज होंगे सीधे डिपॉजिटरीज में। दो डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में, एक होती है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, तो BSE CDSL को सपोर्ट करती है। एक NSDL है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो जो भी आप शेयर खरीदते हैं ना, वो शेयर ब्रोकर के पास नहीं रखे रहते। वो शेयर जब हम अपने डीमैट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये शेयर होते हैं या तो CDSL के पास या NSDL के पास। तो जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसों का बैलेंस होता है, वैसे ही CDSL और NSDL में आपके शेयर की होल्डिंग का बैलेंस नज़र आता है। अगर वहाँ पे बैलेंस है तो उस बैलेंस में पहले आपकी सारी प्रोसीजर हो चुका है, वो प्रोसीजर आपको दिख नहीं रहा है। जैसे आप बताइए ना, पहले बैंकों में पासबुक होती थी, तो पासबुक में आप एंट्री कराते थे और उसको देख के कहते थे मेरे पास इतना पैसा। अब तो पासबुक नहीं है, तो ATM में अगर बैलेंस दिखा रहा है तो पैसा आपके पास है, लेकिन बैलेंस क्या ऐसे ही दे दिया गया है। उन्होंने सारी प्रोसेस की है और पैसा जब आपने जमा किया है, उस पैसे को उन्होंने अपने रिकॉर्ड में एंटर करके फिर आपके ATM में बैलेंस दिखाया। वैसा ही यहाँ पे जब आप किसी कंपनी के शेयर लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो पीछे सारी प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस अब आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन प्रोसेस कहीं गायब नहीं हो गई है। मतलब आप ये देखिए कि जब मैं शेयर खरीदता हूँ तो कोई शेयर बेचता है सेकेंडरी मार्केट में, तो उसके शेयर मेरे पास आते हैं, मेरे अकाउंट में आते हैं, मेरा पैसा उसके अकाउंट में जाता है। इस सब सेटलमेंट में T+2 लगता है ना। और एक सहयोगी संस्थान है NSE इंडिया का, उसका नाम है NSCCL, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का काम क्या है कि वो सिक्योरिटीज की क्लियरिंग करते हैं, है ना। तो स्टॉक के क्लियरेंस के लिए एक एजेंसी है, पेमेंट के कंफर्मेशन के लिए एक एजेंसी है। इसका मतलब स्टॉक मार्केट में सारा काम इतना वेल स्ट्रक्चर्ड है कि किसी तरह का फ्रॉड पॉसिबल नहीं है, जब तक आप खुद ही ना समझ ना हो। ना समझ क्यों रहोगे, क्योंकि आपने अगर चीज़ों के बारे में कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं और जाके लाखों रुपए में काम करने लगे और गलतियां कर रहे हैं तो गलतियों की पेनल्टी लग रही है। ये सब आपके साथ तब हो सकता है जब आपको मालूम ही नहीं कि यहाँ के बारे में बेसिक जानकारी क्या है। और काम करते करते जब आप समझोगे, सीखोगे, तो गहरी बातें मालूम पड़ती है। जैसे ये समझ लें आपके, आपने अगर बेन पीरियड के फ्यूचर एंड ऑप्शन में से किसी पोजीशन को बना के रख लिया तो आपको पेनल्टी लगने वाली है। अगर आपका मार्जिन शॉर्ट हो जाता है कहीं गलती से तो उसके लिए भी पेनल्टी होती है, लेकिन अभी सेबी ने 15 दिनों का टाइम दिया है कि अभी वो पेनल्टी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 15 दिन का टाइम सारी चीज़ों को स्मूथ करने के लिए। तो क्या बात हो गई कि आप अपना एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट देते हैं NSDL या CDSL को, जब आप शेयर बेचना चाहते हैं वहाँ से कंफर्मेशन आती है, फिर आप अपने डिलीवरी के शेयर बेच सकते हैं। अगर आपके पास दूसरी कोई होल्डिंग नहीं है तो फिर आपको कम से कम 20% कैश मार्जिन चाहिए अगले दिन BTST में अपने शेयर बेचने के लिए। मतलब ये समझ लो मैं 1,00,000 रुपये के शेयर उठा के लेके गया हूँ और मुझे कल वो बेचने हैं,
तो मेरे पास कम से कम 20,000 रुपया अलग से होना चाहिए ताकि मैं वो 1 लाख के शेयर बेच सकूं। ये BTST में प्रॉब्लम आएगी, आपकी पुरानी होल्डिंग में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात ये है कि अगर मेरे पास कोई पुरानी होल्डिंग रखी है उसको मैं कोलेट्रल में दे देता हूँ तो वो मेरे लिए मार्जिन का काम करेगा। कोलेट्रल क्या होता है, जैसे जमानत के तौर पर मैंने जो शेयर खरीद रखे हैं वो शेयर ब्रोकर के पास है या इसके पास है, अपना डिपॉजिटरी के पास है कोलेट्रल में, तो फिर वो मेरे लिए मार्जिन का काम करेगा। लेकिन शेयर्स की क्वालिटी क्या है उस हिसाब से आपकी कोलेट्रल वैल्यू काउंट होती है। अगर आप ब्लू चिप शेयर्स लेते हैं, ए ग्रुप के शेयर्स हैं, तो उनका हेयर कट कम है, तो आप ये मान सकते हैं कि उसमें 1 लाख रुपए के शेयर हैं तो 80,000 तक का मार्जिन मिल जाएगा। अगर आपने मिड एंड स्मॉल कैप के बी ग्रुप, TTS या जेड ग्रुप के शेयर लिए हैं तो कुछ शेयर तो ऐसे होंगे जिन पे कोलेट्रल मिलेगा ही नहीं, कुछ शेयर ऐसे होंगे 1 लाख रुपए के शेयर रखे हैं लेकिन आपको वहाँ मार्जिन मिलेगा 60% का। तो कोलेट्रल एक वर्ड है ना, जहाँ पे जैसे हम बोलते थे ना कि गहने गिरवी करके रखे और उधार ले लिया करते थे, ऐसे आपने शेयर रखे हुए हैं तो आपने एक तरह की गारंटी दे रखी है, अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपके वो शेयर्स आपकी जमानत का काम करेंगे। क्लियर बात है। अब ये खास तौर से एक फर्क है जो देखने वाला था। ऑप्शन में कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं आए हैं, ऑप्शन में एक चीज हो रही है कि जैसे आपने देखा था कि बाइंग के लिए एक प्रीमियम लगती थी और ऑप्शन राइटिंग के लिए, शॉर्ट सेलिंग के लिए एक बड़ी प्रीमियम लगती थी। अभी अगर स्प्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, स्प्रेड का इस्तेमाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस तरीके से कि उन्होंने अगर 100 रुपये की प्रीमियम शॉर्ट की है तो एक 5 रुपये की प्रीमियम खरीद ली सिर्फ नाम के लिए, लेकिन उससे उनका मार्जिन 60-70% कम हो जाता है। तो अपने मार्जिन को फ्री करने के लिए लोग स्प्रेड पोजिशंस बना रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। स्प्रेड मतलब एक कॉल को बेचा है तो एक कॉल को खरीदा है, ये स्प्रेड कहलाएगा। क्योंकि आपकी दोनों तरफ हेजिंग है तो बाजार में कुछ भी बड़ा मूवमेंट आता है तो उसको आपकी हेजिंग संभाल लेगी, तो आपका रिस्क लिमिटेड हो जाता है क्योंकि आपने अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस का कॉम्बिनेशन बना के रखा है। आपको पता ना, एक कॉल मैंने शॉर्ट करके रखा है तो यहाँ पे 100 रुपये का कॉल बढ़ के 800 या 1000 भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस है, 2000 भी हो सकता है। लेकिन मैंने एक कॉल 10 रुपये में बाय कर रखा है, 5 रुपये में बाय कर रखा है प्रीमियम में, तो 5 रुपये या 10 रुपये का कॉल उसी वक्त वो भी तो ऊपर जाएगा। तो अगर ये 100 का 1000 होगा, 2000 होगा, तो वो भी 10 रुपये से 1000-1200 होगा, 800 होगा, तो एक तरीके से आपकी रिस्क वहाँ पे कवर हो जाती है, इसलिए कम मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी होगी। BTST आप नहीं कर पाएंगे, वो जो इकट्ठा एक पूल बना होता था सभी की होल्डिंग का, उस पूल का इस्तेमाल कुछ खास एक्टिव ट्रेडर बार बार करते रहते थे, अगर उनके साथ कुछ गड़बड़ होती थी तो अनजाने में बाकी लोगों की होल्डिंग के साथ गड़बड़ हो सकती थी। ऐसे केसेस स्टॉक मार्केट में बहुत कम हुए हैं। देखिए, ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में इस तरीके का सिस्टम बना लिया गया है कि पेमेंट से लेके आपकी डिलीवरी मिलने तक आपके अकाउंट में या ब्रोकर के थ्रू खरीदने बेचने में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पे किसी तरह का फ्रॉड पॉसिबल नहीं है। फ्रॉड सिर्फ तभी होता है जब आप समझो बैंक में गए और बैंक में आपने अपना ATM पिन नंबर ही किसी को दे दिया, आपने अपनी चेकबुक ही किसी के हाथ में दे दी साइन करके, तब तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वही बात यहाँ पे है कि अगर आपको चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है और आप इस तरह के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, कुछ लोग जैसे कम जानने वाले लोग हों और कोई कैश मांग रहा है कि कैश दे दो हम आपके लिए ट्रेड करेंगे, तो वो तो फिर उनके साथ फ्रॉड होने ही वाला है। तो सेबी के नए मार्जिन रूल्स के बारे में खास जो बात थी वो मैंने आपको बता दी है। आप आराम से काम करते रहिए, ज़्यादा लिवरेज आपको नहीं मिल पाएगा जैसे पहले मिला करता था, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन देने वाली जो स्थिति थी वो कभी भी एक ट्रेडर के लिए अच्छी नहीं थी। ब्रोकर के लिए काफ़ी अच्छी मान सकते थे, ब्रोकर बड़े बड़े टर्नओवर कराते थे, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे जो भी सौदे होंगे वो मैच्योर ट्रेड्स होंगे। तो जैसे जो दुनिया के मार्केट है वहाँ पे ऐसे उतार चढ़ाव बचकाने तरीके से नहीं होते,
जैसे जैसे एक मार्केट मच्योर होता जाता है वहां पे एक रेगुलर वॉल्यूम आने लगता है और किसी तरह का पैनिक नहीं आ रहा है। जब समझ बढ़ती है तो पैनिक खत्म हो जाता है। एक जमाना था जब इंफॉर्मेशन का कोई सिस्टम नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पारदर्शिता नहीं थी, तो लोग घबरा जाते थे, एक अफवाह आती थी और उसके साथ कुछ भी होना शुरू हो जाता था। लेकिन अब वो चीज खत्म हो गई है, क्योंकि आपको जैसे ही ये मालूम पड़ता है, आप गूगल करते हो, आप जाके मनी कंट्रोल देखते हो, एनएसई की साइट देखते हो, CNBC या जी बिजनेस चैनल देखते हो और वहां से कंफर्म करते हो कि जो खबर है ऐसी कोई खबर है क्या, तो एकदम से कोई अफवाह फैला के आपको डरा दे, ये पॉसिबिलिटी कम होती जा रही, खत्म होती जा रही। खासतौर पे कहां पे, ए ग्रुप के स्टॉक्स में तो नहीं पॉसिबल है। हाँ, छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स जिनको जिनकी कंपनी की साइज इतनी छोटी है कि दो चार लोग पैसा मिला के उसको ऑपरेट कर पाते हैं, तो उसमें अगर कोई जानबूझ के ट्रेडर जा रहा है और वो कह रहा है ऑपरेटर का कॉल आता है और मेरा पैसा तो तीन तीन दिन में डबल ट्रिपल हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसका पैसा जीरो होने वाला है। ये उसका अपना चुनाव है। तो दोस्तों, मार्केट के बारे में ये जो प्रोसीजर है इसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे जो सेटलमेंट होता है वो T+2 का सेटलमेंट है, मतलब ट्रेडिंग डे को टी से बताते हैं और दो दिन लगते थे सेटलमेंट में, दो दिन में आपकी होल्डिंग आ जाती थी और फिर आप अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, ऑफिशियली ऐसा होता है। लेकिन पूल अकाउंट की वजह से पॉसिबिलिटी थी कि आपने आज खरीदा, आज कल ही बेच दिया और उसके बाद जब आपकी डिलीवरी आएगी तो वो पूल अकाउंट में सेटल हो जाएगी। अब इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएगी। लेकिन ये जो किसी भी तरह के लोग बड़े वॉल्यूम में एक तरफा बाइंग या सेलिंग करके मार्केट को मैनिपुलेट करते थे, वो चीज़ खत्म होने से अब इन्वेस्टमेंट के लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनने वाला है। तो आगे स्टॉक मार्केट का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। और अभी जिस तरह का खतरा देख रहे थे कि भाई लोग बाजार से बाहर चले जाएंगे, तो ये जो लोग बाहर जा रहे हैं ये तो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जबकि मार्केट का बड़ा पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशन का है, इसलिए बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कभी भी बाजार में रैली आई है तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर ट्रेडर नहीं बोल रहा था ऐसा कि अभी ये सबसे बड़ी रैली दिखा देगा, लेकिन फिर भी बाजार में तेजी आई तो ये तेजी इंस्टीट्यूशन लेके आता है। तो आपको मार्केट के बारे में बहुत ही पॉजिटिवली सोचने की ज़रूरत है। आप ट्रेडिंग करें सिस्टमेटिक तरीके से, स्विंग ट्रेडिंग अप्लाई कर सकते हैं, रिवर्सल स्ट्रेटेजी कैप्सूल कोर्स में से ले सकते हैं, ऑल इन वन स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए कभी चुकना नहीं है आपको, इन्वेस्टमेंट हर घर से होना चाहिए। अगर आपके घर में एक भी बच्चा है और आप उसको अगर स्कूल भेज रहे हैं तो उसको स्कूल की फ़ी जितनी भी दे रहे हैं उसकी आधी फ़ी हर महीने आप शेयर खरीदने में लगाइए। अच्छे शेयर, इंडिया का टॉप 5 शेयर चुन लीजिए म्यूचुअल फंड होल्डिंग में से। ऐसे तो कई वीडियो हमने बना रखे हैं जहाँ से आप आसानी से ये पता कर सकते हैं, या लाइव स्ट्रीमिंग में आके हमसे बात कीजिए और शेयर खरीद के बस रखना शुरू कर दीजिए। कोई उतार चढ़ाव, कोई भी चिंता मत कीजिए। आपका बच्चा जब जवान होगा उसके हाथ में आप 2 करोड़ रुपया रखेंगे, मतलब अगर वो बिजनेस करना चाहता है वो बिजनेस करेगा, अगर उसको जॉब करने की इच्छा है, उसमें मजा आता है, वो जॉब करेगा, नहीं तो उसको अगर दुनिया घूमनी है, फ्रीलांसर की तरह काम करना है, तो वो भी पॉसिबिलिटी होगी। ये पॉसिबिलिटी कहाँ से हो सकती है? हमारे पॉकेट मनी का आधा भी अगर हम इसमें डाल के रखते हैं तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, अपनी फैमिली के लिए एक मजबूत ज़मीन तैयार कीजिए और उसके लिए सीखना ज़रूरी होता है। तो अभी सक्सेस स्टोरीज हमारे लाइव स्ट्रीमिंग में चलती रहती है, जो लोग भी हमारे ट्रेनी रहे हैं या उसके अलावा भी स्टॉक मार्केट में जिन्होंने सक्सेस हासिल की है, उनसे हम पर्सनल और प्रोफेशनल हर तरह की बात करते हैं और वो आपको काफ़ी सिखाती है। पिछली 2 लाइव स्ट्रीमिंग गई है मिस्टर कविंद्र जैन और अभिनेक जी की, वो आप देख लीजिएगा कि कैसे किसी एक ट्रेडर ने एक दिन के एक ट्रेड में 2 लाख रुपया कमाया और दूसरा कविंद्र जी 35 के एज में जो फाइनेंशियली रिटायर हो गए हैं। अब ये हालत है कि उनका बच्चा तो अभी हार्डली 8 साल का है, जब तक वो 25 साल का होगा तब तक उसके हाथ में 15 से 20 करोड़ रुपया होगा। इस बात को कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच, बाय।